मसलन स्कूल च बच्चा दाखिल हो गया, दाखिल तो हो गया, ना लिख कता वालद का नाम भी लिख कता, अगों उस रोज़ जाना तो साबित करना मैं दाखिल हाँ इस इलाके तो मेरा स्कूल ही कोई नहीं जरा मैं साफ पता लगता है। मैं कड़ी मिसाल दे बैठा, मैं अर्ज कर रहा कि जोड़ा बच्चा दाखिल है वह ना दाखिल है, वालद का नाम भी लिखे, एड्रैस भी लिखे, दाखिल हो चुका है, वो अगों स्कूले जाना जोड़ा ना वो अमल है, ओनू हर रोज़ करना पैंदा है। ये दाखिल बंदा एको बारी हुंदा, रोज़ दाखिल नहीं हुंदा। मैं पहना भी हर रोज़ बच्चे दाखिल नहीं हुंदे, दाखिल बंदा एको बारी हुंदा, दाखिल बच्चा एको बारी हुंदा, वो एको बारी दाखिल हुंदा है। उहदे च दो किस्म दे बच्चे ने, एक दाखिल हुंदे ने, एक दाखिल हो बैंदे ने। एक दाखिल होंदे ने, एक दाखिल हो बैंदे ने, एक दाखिल होंदे ने, एक दाखिल करवा छड़े जांदे ने। वो जिहड़े मजबूरन दाखिल होंदे ने ना, तो किसे करवा छड़े होंदे ने, उन्हां नूं 9 बजे स्कूल लगना होवे तो 7 बजे लगदे ने, यों यों करदे करन उठ पवे, ओ फाड़ो बस्ता, ओ तैयार होए, ओ नहा होए, ओ मूंह धोए, ओ टाइम पे आउंदा ही, ओ फिर नच नच के आउंदा है, मर तां नहीं ना जाणा मैं, तुर जाना जे मैं दाखिल हो ही गया। ये दाखिल होया नहीं, इहनू किसे करा छड़िया, दाखिल होया नहीं, इहनू किसे दाखिल करा छड़िया। वो जिहड़े नीयत नाल होए हुंदे ने, नीयत नाल, उन्हां नूं उठाउण दी लोड़ नहीं, उन्हां नूं उठाउण दी लोड़ नहीं। वह सवेरे ना 8 बजे आप ही उठ पैंदे ने, टीचर बैठे ने, मैं भी टीचर रह चुका। ये जिहड़े धक्के नाल दाखिल कराई दे ने ना जी, उन्हां नूं आप उठाई दे, जिहड़े नीयत नाल होए हुंदे ने आप ही उठ पैंदे ने। जिहड़े नीयत नाल ईमान लिया ने ना, वह इंशाअल्लाह फजर दी अज़ान तो पहले ही उठ पैंदे। चलो दात तो बनती है, वैसे कोई उठे ना उठे, वैसे मैं गल पे करना, देखो जी गल चंगी होवे तो चंगी गल की भी दात दे छोड़नी चाहिए, हो सकता है अपने आप तो फिट नाम ही आवे, किसी वेले नहीं भी आँगी, लेकिन दाखिल होए विच ते करवाए च फर्क हुंदा। ये जिहड़ा दाखिल है एक बार हुंदा है, वह हर रोज़ जिहड़ा जाना पैंदा ना जी, वह अमल है जी, हर रोज़ जाना पैंदा है, वह अमल है। मेरे अजीज दोस्तों, कई हर रोज़ जाते ने, रोंदे ही जाते ने, तो रोंदे ही आते। थोड़ी खैर हो जी, मेहरबानी। लो जी, मैं अर्ज कर रहा कि जेडे दाखिल करवाए जाते हैं धक्के नाल, वो होर होंगे, जेडे मर्जी नाल होते हैं शौक नाल। मेरा ख्याल है कि वलायत विच भी बंदे नूं मर्जी नाल दाखिल होना चाहिए। आ जिहड़ा धक्के नाल कीता है उहनूं की करना, धक्का तो नहीं ना करना चाहिए किबला। बहुत शुक्रिया किबला। मैं अर्ज कर रहा कि जिन्हें दाखिल, दाखिल दो किस्म के, मैं पहना एक दाखिल करवा दिता जाता है, वह दाखिल हो जाता है, जिन्होंने घर दे आते हैं असा तेन पढ़ा के छड़ना, वह आंदा रहिंदा है, वह जान दो गल नूं मैनूं कितने फायदे देण लगे, मैं इन्ने जोगा, मैं इन्ने जोगा नहीं। कच्ची जमात च की उस जाके करना है, की उन्हूं फसल चुकना पैना है, सिर्फ उन्हें प्रैप जाना है, जाके बहना है, घर दे की आते हैं, घर दे आते तू इंज कर, सिर्फ उंज ही तुर जाया कर, उंज ही तू किताब बिना खड़ उंज ही तुर जा, मतलब किसी तरीके आदत पै, आदत पै। वो जिहड़ा कच्ची च जाके उंज नहीं बहिंदा तो रोंदा है कि मैं इन्ने जोगा नहीं। हुण सोचो, ये जिहड़ा कच्ची जोगा नहीं वह वलायत जोगा है। मेरा ख्याल धक्का नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया केवला। किसी ने धक्का नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ा जहा शौक का मसला है जनाब, ये दिल नाल किसे कबूल करनी है तो उन्होंने ही करनी चाहिए है, धक्का तो किसी ना होता ही नहीं, ये तो नहीं मता लो जनाब। अच्छा, पैगंबर ने भी इलाने विलायत तो किसी ने धक्का नहीं किया, जे तो नबी पाक हजरत अली की बाँह फड़ के फरमाते ना तुसा इनू मनना है, तो जिस ना ना मनिया मैं जुत्तियां मारनियां। मसले भी तो कह सकते ना, सरकार वड्डे सन, कह सकते सन मेरी उम्मत जो ना मनिया मैं इंज करांगा इंज करांगा, ना नबी ने भी खुला सौदा छड़िया, फरमाए लुंडी पुछी दा मौला नहीं, मन कौन तो मौला, हर किसे दा मौला नहीं, सदका जावां, शुक्रिया किबला, ये हर किसे दा मौला नहीं, तो ऐरे गैरे का भी मौला नहीं, मन कौन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला। पैगंबर तेरी जात तो सदके, पैगंबर ने मैरिट ही बड़ा बड़ा रखे,
पैगंबर ने फरमाया कि तुसी भी रंग पुसे ना करया जे आओ नहीं मनदा ते आओ नहीं मनदा छड़ो परा जेड़ा नहीं मनदा कुरान ते मेरा हाथ ही जेड़ा अली तो दूर है ना नुकसान ओदा ही अली दा नहीं मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए बहुत शुक्रिया मैं दसन लगा इंसान घाटे च केड़े केड़े ने मेरे पैगंबर ने फरमाया मन कौन तो मौला हूं जिसका मैं मौला हूं ना और जिसका जिसका मैं मौला हूं उसका हबीब साहब आए नहीं आए नहीं मेरे तो बाद पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पहला मैनू सुनना जे तो ना पढ़ना नहीं करदियां दा प्रोग्राम ही है पहला इनू सुनो तो फिर उन्होंने सुनो जदों बानियान ने तय कर लिया है कि इनू पहला सुनना जे तो फिर उन्होंने सुनना जे तो लिहाजा तुसी मेरा ख्याल मैनू भी औखे होकर सुन की लोड़ नहीं जिन्हें उन्होंने सुनना मैनू भी सौखे होकर सुनो है ना जरा मैं ध्यान नाल नहीं सुनता उन्हू कित सुनेगा तो जरा बंदे दे पुत्रां को नबी नू नहीं मनता कमान है भाई हैदर करार नू की मनेगा खुदा दी मैनू कसम है सरकारे दो आलम ने फरमाया मान कुन तो मौला हो जिसका मैं मौला हूं ना उसका अली मौला है यकीन करो नबी नू मनना शर्त है अली नू मनन दी नबूवत नू मनना शर्त है वलायत नू मनन दी बंदे समझते ने वलायत कोई जंजीर है वलायत कोई रस्सी है सानू पालन लगे ने ओ अल्लाह दिया बंदे तेनू होश ही कोई नहीं है वलायत है क्या वो तेनू मैं जल्दी जल्दी मैं दस देना ये वलायत की है स्कूले जरा गया फिर स्कूल की गल आ गई स्कूले जरा गया नलायक बच्चों सवेर की घंटी की एड्डी खुशी नहीं होंगी जिड्डी पिछले टाइम वाली घंटी की सवेरे भी घंटी बजती है तो पिछले टाइम भी घंटी बजती है वो सवेरे भी टन टन होती है सवेरे की यूं यूं करती वो सवेरे वाली भी टन टन करती है तो पिछले टाइम वाली भी टन टन करती है तर्जमा दोवे का एक नहीं होता तर्जमा सवेरे वाले का होता आ जाओ तो पिछले टाइम वाली टन टन का की तर्जमा है टुर जाओ जिन्हों टली का तर्जमा नहीं आता उन्हों ततहीर का तर्जमा कितों आया हाँ पहला तो जो फरमाओ मेहरबान ये जी घंटी का भी किबला एक तर्ज घंटी का बकायदा एक तर्जमे सवेर वाली घंटी का की तर्जमे आ जाओ भाई आ जाओ उदो फिर लोग लत्तां तरू के जाते जे लत्तां तरू के सवेर की घंटी तो जाते ना वो पिछले टाइम वाली घंटी तो पहले ही कान टुट चुक गए होंगे ने अपने बस्तिया गुंडा गंडा मारने ही आदिया ने तैयारियां ने लगी जे घंटी वजन सवेरे एड्डी खुशी नहीं होंगी नलायकों छुट्टी वाले की बड़ी खुशी होंगी हूँ सोचो ये छुट्टी नेड़े हो ते टीचर खलो के आखे अच्छा भाई छेवीं वाले ना जाया जे बाकियां नू छुट्टी हूँ छेवीं वाले दे मूँह वेखन वाले होने तुसा गौर नहीं फरमाया वह छेवीं वाले नू डकिया ना छेवीं वाले दे मूँह फिर वेखन वाले होंदे ने पहले भी सारे टुर चले नहीं ते असी रह नहीं गए फस गए असी फस गए ये जेडे भाई देने ना छेवीं वाले वो फिर बैठे विचों सोचते होंगे ने भावें पढ़ाता टीचर हो सकता है पेपर के किसी के पेपर नेड़े होने क्लास में बाह लेंगे कि तुम जरा तैयारी करा दें तुम जरा तैयारी करा दें तो मुफ्त ही करा दें बगैर ट्यूशन लैन तो पैसे भी नहीं लेंगे बह जो बच्चे पढ़ लो घंटा और ला लो थोड़े इम्तिहान नेड़े ने उन्होंने होश को नहीं होंगी भी साढ़े इम्तिहान नेड़े ने कि दूर ने वो बचो सो वो आंदा होंगे तो इम्तिहान नेड़े ने तो वो सोचते हैं साढ़े नाल तो पुली भी लंघ गए उन्होंने मेरा ख्याल है असी सारे तकरीबन वो ही जेडे कट्ठे हुए जिन्ना स्वाद पिया आता ना तुम पता सारे पे लगता है वो फिर फसे होंगे ने वो समझते हैं भी अगर इतने पुली भी लंघ गए जाके रोटी खाते होने गन्ने चूपते हो सू इत फायदे छड़िया आए हाए जे नलायक होंगे ने आते ने वो तो टुर गया लायक की आते ने वह आते ने शुक्र करो ये उन्हें बहा लिया शुक्रिया बिस्मिल्ला जनाबे हबीब रजा साहब तशरीफ लिया अल्लाह ताला इज्जत देवे ज़बान तसीर अता फरमाए बेहतर लिखन की बेहतर कौम की खिदमत करने की तौफीक दे बिस्मिल्ला मैं अर्ज कर रहा कि वह जो बाल जाते हैं उन्होंने मूँह एडे एडे हो जाते हैं वैसे होंगे नहीं ये मुहावरा है मुहावरा है कि गल की तो एडे एडे मूँह हो गए वैसे मूँह ओडे ही रेंदे ने मूँह मैं घटते वे वेखे नहीं उन्हें मुहावरा है कि एडे एडे मूँह हो मतलब जरा अंज करके बह रहे वह मूँह एडा को मेरे असीस वो बाए होंगे ने भावें अद्धा घंटा बाहो भी मिनट बाहो है पट्टी साहब बैठे ने
ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੌੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਲਾਇਕ ਪੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਸਕੂਲੇ ਰੋਕ ਲਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਵੋ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬੱਚਿਓ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਿਆ ਨੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੇਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਿਆ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਜਰੇ ਮਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਛੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੌੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਫੜਕਤੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 10 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਪਛਤਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖਣ ਸੁਣ ਚ ਫਰਕ ਜੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣ ਚ ਫਰਕ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ੀਓ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਅਖੀਰ ਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਰੋਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ ਖਾਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸੇ ਉਹ ਖਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਆਂਝ ਆਂਝ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਆਓ ਖਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਖਾਓ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਸੱਵਰ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਲੈ ਮੌਰਾ ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹੈ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੁਕ ਜਾ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੀ ਪਛਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਫਿਕਾਏ ਜਾਫਰੀਆ ਸੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਘੋੜਾ ਖੜੀਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਪਈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲਝਨਾ ਦੀ ਛਬੀ ਲੈ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਪੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੰਢ ਤੋਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਵਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਫਿਕਾਏ ਜਾਫਰੀਆ ਸੇ ਹੈ ਫਿਕਾਏ ਜਾਫਰੀਆ ਫਿਕਾਏ ਹਨਫੀਆ ਫਿਕਾਏ ਸ਼ਾਫਈਆ ਫਿਕਾਏ ਮਾਲਕੀਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਬਲੀਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਫਿਕਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਫਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਤਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨੀ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ
छोटे छोटे जंजीर बनवा के इन्हें फिका भी जरूर पढ़ाओ। इस फिका की वजह तो असं इस वे मुसलमान च मुसलमान के तौर पर जिंदा वा। मेरे छेवें इमाम ने एडी कमाल की है कि मौका मिले सानू मुसलमान साबित कर दिता है। जी सारा साल टुक 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 बंदे लाई रखते हैं शिया काफिर दी शिया काफिर दी शिया काफिर दी, और रमज़ान का महीना आता है जिमें ही ऐलान हों रमज़ान का चंद नज़र आ गया नाल ही पट्टी चल जाती है। फिका जाफरिया के मुताबिक सुबह फजर का ये टाइम है और फिका जाफरिया के मुताबिक अफतार का ये टाइम है। खुदा की कसम मौलवी काफर काफर कह के थक गए होंगे ने जो पढ़िया लिखिया वड्डिया लोगों च मेरा इमाम साड़ी इज्जत बना देता है। जेड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे सुनते ना फिका के मुताबिक ये रखते हैं और फिका के मुताबिक रोजा खोलते हैं। अखबार सवेर दा पढ़ो जोहरैन फिका जाफरिया के मुताबिक, मगरबैन फिका जाफरिया के मुताबिक, फजर फिका जाफरिया के मुताबिक। उदो ही मौलवी का सारे प्रापेगंडा जमीन बोस हो जाता है। जदों पढ़े लिखे बंदे सोचते ने हया करो कभी काफर की भी फिका हुई है। यार फिका मुसलमाना दी होंगी। अल्लाह फरमाता है वो जो नुकसान से बचेंगे वो ईमान वाले हैं और उनके अमल ठीक हैं। दाखिल बच्चा एक बार ही होता है अगों मुसीबत नू फड़कद है फिर रोज़ जाना पैंदा है। मैं पहना रोज़ जाना पैंदा है। वो जरा दाखिल होता ना वो तफरी तो पहला भी कई बार नस जाता है। इंशाअल्लाह जरा चोरी नसद वो यार ही दस छड़ते हैं शाह जी सर जी नस गया अजे यार कादे वास्ते होंगे ने सदके जाव इस वास्ते। तो जे वह मस्कीन कितों खील शील खा के कोई शकरगंदी खा के किधरों आ के तो मेमी मेमी समझते हो छोटी बकरी मेमी आते हैं पंजाबी और निकी बकरी अल्लाह दे बंदे हो पंजाबी मम्मी फस गया पंजाबी पंजाबी निकी बकरी की आ मेमी वो जरा मगर आ ना बच्चा वह बेचारा चोरी गया हों तो मेमी बन के उसका दिल करता कि मगर अडोल जा के बह जा। वो जरा मेमी के मुतलक दस दिन ना सर जी आ गया जी वह भी यार ही होंगे सर जी आ गया जी आ गया जी उन्होंने खिलार लें हाँ भाई कितने स वो हरबाने बना इस काम गया सैस काम गया स फिर घर रजिस्टर लेंदा वह आंदा तफरी तो पहला भी हाजरी लगेगी तफरी तो बाद भी हाजरी लगेगी। इस वाले तफरी वाले गया कई आ नहीं पिया पहले टाइम वक्री हाजरी पिछले टाइम वक्री हाजरी हूँ पता लगे नमाजा के टाइम वक्रे वक्रे क्यों ने नमाज की वारी तो बंदे इंज हमा तन गोश हो के सुनते हैं। लो जी नमाज की गल मैं जिथे की ना उत्थे यही हाल होया जो इतने होया कि तवजो हो गई है एडी तवजो एडी तवजो तौहीद रिसालत इमामत नबूवत ना जेड़े बड़े नमाज की गल की है बंदे चुप हो गए ने वजह उसकी वजह एवं कि जो किसी ध्यान गल सुननी हो ना उदो आते चुप करो गल सुनो और जो किसी ध्यान गल सुनी है की लोग आते हैं और चुप चुप गल सुनो। मैं समझना नमाज की गल जिमें बंदे ध्यान ना सुन देना कोई भी नहीं इंज हों जिमें है ही नहीं इन्नी तवजो बहुत शुक्रिया इन्नी तवजो ही नमाज तो चाहिए जिनी मैं चाहता हाजरी सवेरे लगती है सर की किसे लवाई हो तो पता हो फिर मैं पहना वैसे लगती है लगती खैर हो भट्टी साहब शुक्रिया लगती है जोर वेले लगती है मगर बहन तो लगती है ये हाजरी लगती होती है जरा दाखिल हो हाजरी वो लगती है जरा तो खैर हो अपना काम मैं करना उन्हें अपने वाला करना उन्होंने वाला मैनू नहीं आता भैया अपना अपना काम है। हूँ जलेबियां कड़े आखो अद्धा किलो गोश्त बना दो कितों बना खुदा दा नाम जे आप जिसका काम ये जरा मेरा काम है मैं करना पाया बहुत शुक्रिया मैं देन लगा मैंबर देन लगा तो हाथ वजह हाजरी कभी किसी आवारा गर्द भी लगी और यारा स्कूले हाजरी सवेरे दाखिल की लगती तो पिछले टाइम दाखिल की लगती। अगली गल सुन लो ये जेडे सारा दिन टायर रेड़ते हैं सारे स्कूल के दुआले वो वेखे जो टायर तो नाल सोटी आला लाला वो चार चुफेरे स्कूल दे नेर चुकया हुंदा है किसी मास्टर नूं आखो इन्हां नूं भी फड़ो वो आंदा दाखिल ही नहीं
गौर नहीं फरमा खुदा की कसम हाजरी तो लगती है जरा दाखिल हो जरा दाखिल हो ना दाखिल ओनू फिर अगले पड़क इंशाला पूछा जाता है हाँ भाई तफरी तो पहला कितने स हाँ भाई तफरी तो बाद कितने स किनू पूछा जाता है सर उठाओ किनू पूछा जाता है और यार दाखिल तैयार रहो स्कूल जला नहीं टीचर मरा नहीं स्कूल खुलने वाला है मादी आने वाला है स्कूल जला नहीं टीचर मरा नहीं स्कूल खुलने वाला है मादी आने वाला है या वलायत दे स्कूल चो निकल जा या मादी आके पूछ नहीं फजर अड़े किथे से जोहर अड़े किथे से इशा अड़े किथे जी मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे आबाद रहो मेरी कौम।